जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ इथिक्स। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ इथिक्स एक्चुअली क्या है, जिसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि अपने जॉब भी डेवलपमेंट करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो कुछ अखलाकियात होती हैं। उन अखलाकियात, उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स के बेसिस पे आपने कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, अपनी एम्प्लॉयर्स को के साथ आपने डिस्कशन करनी पड़ती है। आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, पूरा जो वाटरफॉल के जो 5 स्टेप्स हैं, इसमें जितने भी टीम मेंबर्स हैं, किस तरह आपने पोलाइटली तरीके से 3 चीज़ों को कवर अप करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, टाइम क्या है और कितने बजट में आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो कहने का मतलब यह है कि कोड ऑफ इथिक्स क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो अखलाकियात कौन सी अखलाकियात है जिसके बेसिस पे आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर की भी सेटिस्फाई होता है, एम्प्लॉयर्स भी सेटिस्फाई होते हैं, आप भी सेटिस्फाई होते हैं और बर वक्त पे वो काम होता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कोड ऑफ इथिक्स क्या है, उसको थोड़ा सा डिस्कस। इथिक्स एक्चुअली क्या है, सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, जो वो मॉरल प्रिंसिपल्स, वो उसूल है जिसके बेसिस पे हम किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को परखते हैं, जांचते हैं, देखते हैं। जिस तरह इन्होंने कंप्यूटर के इस्तेमाल के भी कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आप जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं, कि उन लिमिटेड उन बाउंड्रीज में आपने कंप्यूटर को यूज करना है। तो कंप्यूटर एथिक्स है, जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में आप फैकल्टी होती है, टीचर होती है, तो उनके कंप्यूटर एथिक्स क्या है कि वो वहाँ पे यूट्यूब, इस तरह गूगल पे एक्स्ट्रा चीज़ें ना देख ले। या स्टूडेंट्स के लिए भी ये एथिक्स है, सिर्फ अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज उससे मेंटेन रखे। तो ये कंप्यूटर एथिक्स है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए और पर्सनल्स के लिए। तो इसको अखलाकियात के दायरे के अंदर आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हमारी टॉपिक क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो एथिक्स है कि आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में बनाते हैं, या फ्रीलांसर पे आपने बिल्डिंग पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने किस तरह कस्टमर को अपनी तरफ रागिब करना है कि वो आपसे ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा ले। तो आपने किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने उसको जो भी प्रोडक्ट उसको बना के देना है, वो जिस क्वालिटी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहता है, उसी क्वालिटी को आपने 100% डिलीवर करके देना होता है। ठीक है, तो पहले आपने उसको ये यकीन बावर दिलाना होता है। दूसरा, जिस टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट या एप्लीकेशन मांग रहा है, हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर, महीने के अंदर, उसी टाइम फ्रेम में आपने उसको डिलीवर करके देना है। बजट उस पर कितना आएगा, अब उसका काम है कि जिस चीज पे आपने उसके साथ एग्री हो चुके हैं, $500, $100, $1,000, $2,000, तो उसी बजट के अंदर आपने उस काम को कंप्लीट करना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो व्हाई इज एथिक्स इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अखलाकियात क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है, ये तो जाहिर सी बात है, जिंदगी के किसी शो में भी आप चले जाए, अखलाकियात ना हो तो आप वहाँ पे सिस्टम को नहीं चला सकते। बेशक वो आपके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, या आपके आप किसी घर के पर है, माँ बाप अपने बच्चों को अखलाकियात के साथ अगर हैंडल नहीं करते, तो वहाँ का सिस्टम भी ऐसा ऐसा हाथ से निकलता जाता है। तो यहाँ डेवलपमेंट में भी आप अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन बना रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से जो प्रोडक्ट ने गुजरना होता है कंप्लीशन स्टेज तक पहुंचने में, तो उसमें भी कुलीग्स के साथ आपने अखलाकियात के साथ, एथिक्स के साथ नेगोशिएट करना होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने बताया कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या है, कस्टमर्स 100% उसकी सेटिस्फेक्शन, कि जो चीज जो प्रोडक्ट वो मांग रहा है आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, यानी जिसको हम बार बार चेक करते हैं यूनिट टेस्टिंग के जरिए, एग्रीगेट टेस्टिंग के जरिए, सिस्टम टेस्टिंग के जरिए, या मुख्तलिफ ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ये सारे टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, वो क्यों, हाई क्वालिटी
प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। दे आर कमिटेड टू एनालाइजिंग, स्पेसिफाइंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर विच इज बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव फॉर द कंपनी और क्लाइंट। कंपनी और क्लाइंट दोनों के लिए वो बेनिफिशियल हो। आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो कंपनी भी ऊपर जाएगी, क्लाइंट्स आपके बढ़ते जाएंगे, क्लाइंट आपकी सेटिस्फाई होगी क्योंकि आप एक खास एथिक्स, खास अखलाकियात के अंदर वो काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउ डू वी डिफाइन एथिक्स? एथिक्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एथिक्स एक्चुअली इज बेस्ड ऑन वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच प्रिस्क्राइब व्हाट ह्यूमंस आउट टू डू यूजुअली इन टर्म्स ऑफ राइट्स, ऑब्लिगेशंस, बेनिफिट्स टू सोसाइटी, फेयरनेस और स्पेसिफिक वर्च्यूज। समझ आ गई ना कि हम आपने जो भी डेवलपमेंट, जो भी काम करना है, खास हदूद के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या इन ह्यूमंस को किस दायरे में काम करना चाहिए, कॉपी राइट्स देखनी होती है, किसी और की चीज को कॉपी नहीं करना चाहिए, तो वो दूसरी बात है कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट में हमें ये अलाउ होता है कि हम क्या कर लें, बनी बनी एग्जिस्टिंग कोड लोगों ने गूगल पे मुख्तलिफ साइट्स पे पड़े होते हैं, हम वहाँ से एग्जिस्टिंग चीज़ें उठा के उसको अपडेट करते हैं, ये नहीं आती। कॉपी राइट्स में वो चीज़ आती है जो उन्होंने इस्तेमाल करने से पहले मेंशन की होती है, ठीक है ना। सब बी एथिकल इज डूइंग व्हाट द लॉ रिक्वायर्स। लॉस के अंदर आपने काम करना होता है। एथिक्स कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आवर सोसाइटी एक्सेप्ट, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड बिहेवियर जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, सबके लिए सेम हो, कोई उससे बाहर ना हो, तो इस तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी पूरे एथिकल लॉज होती है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी डेवलपमेंट करनी होती है सब लोगों के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, सबको उसे फॉलो करना होता है जिससे सोसाइटी को फायदा बेनिफिट्स पहुँचते हैं, फेयरनेस मिलती है, राइट एंड रॉन्ग का पता चल जाता है, जो ऑब्लिगेशंस होती है उनको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो हम एथिक्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एट की प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स, आठ प्रिंसिपल्स इन्होंने लिटरेचर से उठाई है। एक है प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मस्ट बी डिलीवर एट प्रॉपर टाइम विद इन द एग्जैक्ट बजट। समझा, तीन चीज़ों को आपने, प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करना है, जो उस टाइम में उसने बनना होता है उस टाइम में डिलीवर करना होता है, और विद इन द बजट, तीन चीज़ों को। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। दूसरा ये है पब्लिक, पब्लिक के लिए ये प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल होगा, पब्लिक वाइज में कितना पब्लिक इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, पब्लिक को कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक को भी आपने जहन में रखना होता है कि आपने जो डेवलपमेंट करनी है, पब्लिक से मुराद आपके फॉर एग्जाम्पल कुलीग्स भी हो जाते हैं, कुलीग्स से बाहर एंड यूजर्स भी आ जाते हैं। इस ऐप एप्लीकेशन को अगर आपने प्ले स्टोर पे डालना है तो आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहीं अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ तो नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल इधर उधर चीज़ें किड्स के लिए भी वो नुकसानदेह हो, बड़ों के लिए भी नुकसान, तो ये पब्लिकली वो एक्सेप्टेबल हो, जजमेंट वाइज इस तरह हो कि अगर कोई उस पर अपना राय देना चाहते हैं जो एप्लीकेशन आपने बनाया है, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो जजमेंट से आपको पता चलेगा कि ये कितना, इसकी पॉजिटिविटी रेशो कितनी है और नेगेटिविटी रेशो कितनी है, तो इसको भी आपने सामने रखना है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। एक आपका क्लाइंट होता है, क्लाइंट कौन है, सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आपको सीईओ वगैरह उन्होंने वो आपको प्रोजेक्ट देते हैं तो उनका क्लाइंट होता है वो, जो सॉफ्टवेयर हाउस में आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ आपका वो इंटरेक्शन कम ही होता है, ज़्यादातर आपका जो मैनेजर है उसके साथ इंटरेक्शन होती है। तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीलांसिंग पे आपने क्लाइंट से काम उठाया है और पहली दफ़ा प्रोडक्ट को टाइम पे और 100% क्वालिटी के साथ आपने डिलीवर कर दिया, तो ये समझे कि वो क्लाइंट आपका वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ उसकी काम कर सकेंगे, आपके क्लाइंट्स बनते जाएंगे। एम्प्लॉयर जो है
अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस के कोई मैनेजर है, सीईओ वगैरह है, आपके अंदर जितने लोग काम करते हैं, तो उनको भी आपने बहुत ही अखलाक के साथ डील करना होता है हर एक पॉइंट पे, तभी आप अपनी इंडस्ट्री को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को चला सकते हैं। विदाउट एथिक्स आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिस तरह हम स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स को हमें हर हाल में इथिकली डील करना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट को फोर्स करेंगे उस टाइम, तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, दिल में वो उस कोर्स से भी उनका नफरत हो जाएगा और फैकल्टी से भी, जाहिर है। तो स्टूडेंट इस तरह स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान इथिकल रिलेशनशिप, अखलाकियात होने चाहिए कि स्टूडेंट भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले। किसी तरह स्टूडेंट्स को अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में रख ले और सॉफ्टवेयर हाउस में उनसे डेवलपमेंट का काम लेना चाहते हैं, तो फिर इथिकली भी आपको उन्हें डील करना पड़ता है, तो वो एम्प्लायर्स में आ जाते हैं और क्लाइंट जिनसे आप काम उठाते हैं। तो ये भी अखलाकियात, इथिकली इनका रिलेशनशिप जो है इथिक्स पे बेस करता है। मैनेजमेंट टीम जो होती है किसी इंडस्ट्री में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, जो आपके लिए सारा काम मैनेज कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना रहे होते हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी इथिकली क्या करना, इथिकली अखलाक के साथ आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वो आपको काम देते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करके वापस डिलीवर करते हैं। प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे होते हैं, उसमें भी इन्वायरमेंट जो है इथिकली का, इथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये 8 चीजें जो है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, पब्लिकली आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोग अगर उस पर जजमेंट देना चाहते हैं, जजमेंट उनकी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्लाइंट एम्प्लॉयर के दरमियान रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, जो मैनेजमेंट टीम होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक्चुअली जो 5 पॉइंट्स है, पहला जो हमारे पास पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फिर डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है और डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें जो लोग मैनेजरियल रोल्स प्ले कर रहे हैं ना, उनका भी एथिकली रोल, एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एथिकली हर एक बंदे को डील कर ले। प्रोफेशन, जो कोई भी अपने प्रोफेशन से वाबस्ता है, बेशक वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर रहे हो या डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन बना रहे हो, या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या प्रोग्रामर हो, इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हो, या उनका प्रोफेशन टेस्टिंग का हो, या उनका प्रोफेशन डॉक्यूमेंटेशन का हो, तो हर पॉइंट पे इथिकली उसे अखलाकियात के साथ काम करना पड़ता है। कुलीग्स जो आप इसमें काम करते हैं, जो आप इसमें एक सिस्टम को चला रहे हैं, उनके दरमियान यूजर फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। कुलीग्स क्या है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर हाउस में सब लोग काम कर रहे हैं, जो सीओ है, मैनेजमेंट है, तो वहाँ का माहौल क्या होना चाहिए, वहाँ का माहौल रिलैक्स फ्रेंडली होना चाहिए, एक दूसरे का साथ मतलब गपशप वाला माहौल होना चाहिए। इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए काम करना ही छोड़ दे, बर्फ के इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि काम अच्छा तरीके से निकल जाए। सेल्फ सेल्फ एक बंदा सेल्फ इथिकल होना चाहिए, खुद खुद हर एक के अंदर एक बर्दाश्त का मादा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हम काम करते हैं, तो डेली बेसिस पे आपको चैलेंजेस मिलती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो अपने आप पे काबू पाना पड़ता है। कभी कभार आप एक काम 10 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हो, कभी कभार उस पर 10 घंटे भी लग जाते हैं। तो आपने कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहीं कोई भी फेज में आप काम कर रहे हैं, बेशक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आप काम कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर डिजाइन बना रहे हैं, या रिड्यूस डेटा फ्लो डायग्राम, या प्रोग्रामर है, पेवर कोडिंग कर रहे हैं, या टेस्टिंग फेज में आप काम कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रहे हैं, जो वाटरफॉल के 5 स्टेप्स हैं, और किसी ना किसी में आप इन्वॉल्व, मगर सेल्फ इथिकली आपको खुद अपने अंदर बर्दाश्त का मादा और इथिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। ये तो आपकी, अब एक 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 को देखते हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में एक एक को डिस्कस किया कि कोड ऑफ इथिक्स फीडबैक सेंड टू ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद कंसर्न टू IEEE मेंबर्स, ऑल एट प्रिंसिपल एरिया सर्वे रिस्पॉन्स ऑप्शन रेंज, मतलब कि जितने भी IEEE मेंबर्स है, जितने भी लोग फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, उनको क्या करना होना चाहिए, स्ट्रांगली फेवर करना पड़ता है। फेवर क्या है, स्ट्रांगली इथिकली मजबूत होना पड़ता है, अखलाकियात के अंदर डाउटनेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अनसर्टिनिटी क्या है, डाउट, इंसान जब अनसर्टन रहता है, डाउट में रहता है, शक में रहता है, उससे फिर ब्लंडर्स होते हैं, और ब्लंडर्स क्या है, अखलाकियात से फिर बंदा
चाहिए ज्यादा है, तो अनसर्टिनिटी को खत्म करना पड़ता है किसी के बारे में राय, ये सारी चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अनसर्टन हमें किसी भी बात को नहीं, जहन में नहीं रखना चाहिए। हर एक पॉइंट आपका क्रिस्टल क्लियर होगा तभी हम इथिकली स्ट्रांग होंगे, बेशक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले फील्ड हो किसी और फील्ड में भी हो। तो हम हमारे जो जहन में पॉइंट्स है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे हम इस्लामिक तरीके से हम हदीस पढ़ते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ अहादीस में कि अखलाक अखलाकियात अखलाकियात, तो वहां पे हमारा जहन 100% क्लियर होता है कि ये अल्लाह की तरफ से अखलाकियात का दर्स हमें मिलता है, तो बस मैं वहां पे क्लियर हूँ। तभी जो थोड़ा बहुत बंदे इस्लाम की तरफ जाता है तो उनमें अखलाकियात ज्यादा होते हैं, बेशक वो भी कमजोर है मगर वहाँ हम अनसर्टन नहीं रहते हैं। बेशक हम हदीस कुरान पे 100% हम ईमान हमारे होते हैं, तभी हमारे इथिकली वहाँ पे हम स्ट्रांग होते जाते हैं। तो इस स्लाइड का मतलब है कि अनसर्टेनिटी से आपने निकलना होगा, स्ट्रांग अपोजिशन स्ट्रांग या आपने उसको अपोज करना है, और सर्टन में भी रेंज में हमें आना पड़ता है। प्रोडक्ट्स, जिस तरह हमने 8 चीजों को पढ़ा, तो इन्होंने प्रोडक्ट्स को फर्दर 15 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, फुली स्पेसिफिकेशन को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्या चीजें सुटेबल है क्या चीजें सुटेबिलिटी नहीं है, आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेटा रिक्वायरमेंट, इंजीनियरिंग की सतह पे डिजाइन बनाने में इम्प्लीमेंटेशन में गोल्स आपको पहले सेट करने पड़ते हैं कि मेरे ये 5 गोल्स है या मेरे ये 3 गोल्स है इस एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को बनाने में, और ये गोल्स आपको कौन बताता है, ये वही रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कस्टमर बताता है, जिसको हम प्राइमरी स्टेक होल्डर कहते हैं। वो आपको ब्रीफ करता है कि मेरे एप्लीकेशन में ये चीज डाल दो, ये होनी चाहिए, फ्रंट एंड इस तरह होना चाहिए, बैक एंड इस तरह होना चाहिए, डेटाबेस में इतनी टेबल्स होने चाहिए। तो ये आपको जो कस्टमर है जिसको हम प्राइमरी स्टेक होल्डर कहते हैं वो आपको बताते हैं। तो वहां से हम अपने गोल्स को सेट करते हैं कि इसको मैंने अचीव करने हैं, और वो एप्लीकेशन को बनाने में आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, वाटरफॉल इस्तेमाल करेंगे या स्पायरल करेंगे या वी मॉडल करेंगे, ये भी क्लियर करना हो चाहिए। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। गुड, एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से डिवाइड कर ले और फिर उसको डेवलप कर ले। तमाम कॉस्ट जितना बजट इस पे आएगा वो उसको उसकी इस्टिमेशन इम्पोर्टेंट है, उस जो काम भी आप करेंगे उसको एक खास डॉक्यूमेंट में हमें लिखना पड़ता है। हर एक पॉइंट को जब आप डेवलपमेंट करेंगे, एक एक मॉड्यूल को अगर आपने टेस्ट करना है, यूनिट टेस्टिंग हम करते हैं, सारे मॉड्यूल्स को मिला के फिर एग्रीगेट टेस्टिंग हमारे पास आ जाती है। सिस्टम प्रोडक्ट जब बन जाता है आप उसको उस मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, जिसको हम कहेंगे सिस्टम टेस्टिंग, डिबगिंग, प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, लीगल लिगिटिमेटली, मतलब कि जो भी चीज डेटा आप यूज करते हैं आपने किसी से चुराया तो नहीं है, आपको लीगली मिला है, आउटडेटेड फ्लॉज वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास किस तरह आ जाती है। मैक्सिमम क्वालिटी, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना, ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो ये अगर प्रोडक्ट को हमने डेवलप करना है एथिकली, मोरली, अखलाकियात के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो ये सारी चीजें हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ये 15 पॉइंट्स है, ये कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं कि इस 15 पॉइंट्स के अलावा और पॉइंट्स नहीं है। आप डेवलपमेंट के दौरान आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सी चीज राइट है कौन सी रॉन्ग है, जो रॉन्ग है उसको छोड़ेंगे, जो राइट है उसको एडॉप्ट करेंगे। तो ये एक्चुअली इथिकली इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिक फिगर्स में एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं पब्लिक के लिए, वो कितना एक्सेप्टेबल है, समझ आएगी ना। डिस्क्लोज एनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेंजर्स, कि इस एप्लीकेशन में ये खतरात हैं, ये मसला आ सकते हैं फ्यूचर में भी, या इसमें अभी भी ये में मतलब इसको आपने छेड़ना नहीं है, ये हम इंफॉर्मेशन बुकलेट में पहले से सॉफ्ट एप्लीकेशन या प्रोडक्ट की कंप्लीशन के बाद दर्ज कर लेते हैं। अप्रूव ओनली सेफ वेल टेस्टेड सॉफ्टवेयर, जो चीज भी आपने बनाई है, जो बनाने जा रहे हैं, जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या बेशक कोई गेम है, इसको तभी अप्रूव कर ले कि वो सेफ हो, और टेस्ट कर ले और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से 100% वो सेटिस्फाई हो और इंडस्ट्री में उस पर कोई क्रिटिकली वो एक्सपोज ना हो, सेफ होना चाहिए, ठीक है ना। साइन डॉक्यूमेंट्स, मतलब ओनली साइन दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्सेप्टेबल बाय द IEEE स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स पे आपने साइन करना है जो
स्टैंडर्ड्स में आती हो। कॉपरेट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न, जियो एप्लीकेशंस, इस पब्लिक वहाँ जो आपने कॉपरेशन कहाँ पे करनी है, आपने हेल्प कहाँ पे करनी है, जो आपका जो प्रोडक्ट है पब्लिकली उसको अगर आपने प्ले स्टोर पे डालना है तो उसको उन चीज़ों पे सिर्फ आपने कॉपरेशन हेल्प करनी है जो पब्लिक को फायदा पहुंचाती हो, ना कि पब्लिक को नुकसान पहुंचाती हो, ठीक है ना। इस तरह का मटेरियल आपने अपने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को उसके साथ नहीं लिंक करना जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाए, बल्कि पब्लिक को फायदा तो से होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर आप प्रोड्यूस कर लें जिसमें डाइवर्सिटी हो, जो रिस्पेक्ट करे डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी का मतलब है कि फ्यूचर में आप उसमें कोई और चीजें ऐड करना चाहते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपेटिबिलिटी की फैसिलिटी उसमें हो, फेयर एंड ट्रस्टफुल, तमाम मैटर्स पे फेयर होने चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स जो है उस पे आप प्रोफेशनली स्किल जो है वो हमें एक अच्छी प्रोडक्ट बना के देती है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑन वर्क, सिर्फ अपने डोमेन में काम करते हैं, बाकी किसी के उसमें इंटरफेरेंस ना कर ले, जजमेंट से मुराद ले के लोग आपके एप्लीकेशन को किस तरह किस एंगल से देखते हैं, प्रोफेशनल एक अपनी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, साइन वो डॉक्यूमेंट साइन कर ले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्राइबरी को रिजेक्ट कर ले, रिश्वत पे आप उसको करप्शन से अपने आप को दूर रख के सीक्रेट पेमेंट्स क्लाइंट से ना ले, ठीक है ना। इंडस्ट्री में काम करे तो एक एक्स्ट्रा पेमेंट आपको अगर क्लाइंट दे तो वो तो आप ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम पे फिर कंपनी के लिए वो नुकसान होगा ना, कंपनी से आप फारिग हो जाएंगे। ओनली पेमेंट्स उस चीज का आप एक्सेप्ट कर ले जो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मिल रही हो, जो इंडस्ट्री की तरफ से बोनसेस वगैरह है उसको एक्सेप्ट कर ले, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर ले कि एक वो के मुख्तलिफ लोगों का उस एक पॉइंट पे क्या आ रही हो, इंटरेस्ट आ रही हो, हर एक बंदे का उस पॉइंट पे इंटरेस्ट है तो उसको एक्सपोज कर ले कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे ग्रुप बंदियाँ बन जाए, कन्फ्लिक्टिंग को अवॉइड कर ले, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो भी है, टेम्पर, टेक्नोलॉजी जजमेंट, एथिक्स, तो ये टेक्नोलॉजी जजमेंट जो भी है उसको आपने अखला किया तो ये जजमेंट में हमारे पास आ जाती है। क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को आपने 100% अच्छी सर्विस देनी है, एम्प्लॉयर ने उसको देनी है, तभी वो क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म के लिए आप उसके साथ प्रोजेक्ट्स की जो डिस्कशन है नेगोशिएशन कर सकेंगे, सर्विसेज उसको जो चाहिए वो आपने अच्छी तरीके से देनी होती है, जो रिसोर्सेज उसे चाहिए क्लाइंट को उसके प्रोडक्ट को बनाने में ऑथेंटिकली वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, यूज प्रॉपर्टी एज ऑथराइज बाय द ऑनर, जो ऑनर है जो प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं एम्प्लॉयर ने इस्तेमाल कर यूज करनी है वो ऑनर की होनी चाहिए ना कि किसी और की। डू नॉट यूज इलीगली ऑब्टेंड सॉफ्टवेयर, कहते हैं ना जिसका जो क्रैक अवेलेबल हो जिसका तो हमें ट्रायल वर्जन है, इन तरह के सॉफ्टवेयर को इलीगल तरीके से एक्सेस नहीं करने चाहिए किसी और तरीके से, सिर्फ वो है जिसका क्रैक अवेलेबल हो, जो लीगली लाइसेंस कंपनी ने खरीदा हो उसको पे हमें डिपेंडेंट होने चाहिए। ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की जो जो इंफॉर्मेशन जो डेटा हमें मिलता है अगर उसको कॉन्फिडेंट में रखना होता है, सीक्रेट में रखना होता है कंपनी की तरफ से, उसको हमें कंपनी की मफाद में सीक्रेट या तरीके से रखनी पड़ती है कि वो लीक ना हो जाए। सोशल कंसर्न्स के मैटर्स को डिस्कस करने चाहिए, उन इन्फॉर्म व्हेन अ प्रोजेक्ट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हो, कंपनी को नुकसान कर रही हो या क्लाइंट को मसले कर रहे हो तो फिर पहले से एडवांस में उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। एक्सेप्ट नो डिट्रामेंटल आउटसाइड वर्क, कंपनी के लिए आप मुखलिस हैं तो आपने बायर इधर उधर छलांगे नहीं मारनी। एट प्रेजेंट नो इंटरेस्ट एडवर्स टू योर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने आपको रखा है, आप कंपनी के अंदर काम करते हैं तो उन्हीं के इंटरेस्ट के मफाद के लिए जिस तरह जैसा भी पॉसिबल हो उसके लिए काम करना चाहिए, और वो भी क्या है ऑथेंटिकली करना, जिस तरह हम अबसीन यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज है ना, तो हमें अगर अपने सैलरी को हलाल करनी है तो हमें
100% सिंसियर तरीके से उनके लिए काम करना पड़ता है। काम करेंगे तो फिर क्या होगा, वो जो सैलरी आपको मिलेगी, अब बेशक आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम करें तो उसमें बरकत होगी। अगर आप या हम या किसी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वहां पे हम इधर उधर चलांगे मार रहे हैं और सिंसियर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान क्या हो, हमारी सैलरी से, हमारे पैसों से, हमारी जिंदगी से बरकत उड़ जाएगी और फिर हमें ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैनेजमेंट टीम जो है उनको एथिकल ग्राउंड्स के अंदर काम करना चाहिए, एथिकली स्ट्रांग होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने चाहिए, एम्प्लॉयज के लिए नॉलेज जो उनको उनके पास है वो खास प्रोटोकॉल्स और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल्स के अंदर वो उसको यूज कर सके, और उन लोगों को आप वर्क मैनेजमेंट टीम को सिर्फ उन लोगों को वो टास्क देना चाहिए जिनके अंदर वो एक्सपर्ट्स हो। प्रोवाइड ड्यू प्रोसेस फॉर कोड वायलेशंस, जो किसी कोड की वायलेट कर ले, अनएथिकली एक्सेस कर ले, गलत तरीके से उसको डेवलप कर ले या किसी और जगह से कॉपीराइट कर ले, तो एक खास ड्यू प्रोसेस के अंदर उसको वो सॉल्व कर ले। फेयर ऑनरशिप एग्रीमेंट्स करने चाहिए, एक्यूरेटली डिस्क्राइब कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है, जितने मैनेजमेंट टीम ने क्या काम करना है, ये एक्चुअली मैं जो टास्क है ना प्रोजेक्ट के वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के वाले अफराद को डेटा के बारे में बताते हैं कि आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है, उसको फिल्टर करना है और उनसे इंफॉर्मेशन निकालना है। फिर वो दूसरा जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उन इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट वाले लोग फिर डिजाइन वाले को पकड़ा देते हैं कि अभी आपने इसका सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाने हैं, उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने हैं। तो जब आर्किटेक्चर और डिजाइन भी बन जाते हैं तो यही मैनेजमेंट वाले लोग जो है फिर प्रोग्रामर को वो डिजाइन पकड़ाते हैं कि अभी इसको आप इम्प्लीमेंट कर लें। जब वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर मैनेजमेंट वाली टीम जो है वो उसको टेस्टिंग में भेज देते हैं कि आप उसकी यूनिट टेस्टिंग, एग्रीगेट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, जो भी टेस्टिंग फेज हैं उनसे गुजारते हैं और प्रोडक्ट की जो फिजिबिलिटी, फंक्शनलिटी, ऑपरेशन है उसको देखना पड़ता है। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तभी जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन वाले लोग उसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस वो बनाते हैं। ये सारा काम मैनेजमेंट वाले लोग का होता है। प्रोफेशन क्या है, आप रिप्यूटेबल जो सी रिप्यूटेबल लोग हैं उनके साथ अपने आप को एसोसिएट रखें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप हैं तो प्रोफेशनली इथिकली आप स्ट्रांग होंगे। कमिटमेंट रिगार्डिंग कोडिंग, आपने कमिटमेंट दिखानी पड़ती है कि आपने अपने एक दूसरा दिन उससे भी आप अच्छे अंदाज में अपने आप को प्रमोट करना है। फॉलोअर्स ऑफ दिस कोड कौन है उनको सपोर्ट करना है, जो किसी ओपन सोर्स से आपने कोड उठाया है और उसको आप रीयूज में ला रहे हैं, तो किन लोगों ने इस पे काम किया है उसको सपोर्ट कर ले। उन किसी को हेल्प चाहिए हेल्प दे रहे, किसी से हेल्प लेना चाहते हैं उनसे हेल्प ले ले, मगर खास बाउंड्रीज अखलाकियात के अंदर। डेवलप एन एथिकल इन्वायरमेंट आपने डेवलप रखना है। रिपोर्ट सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ दिस कोड, ये आपने देखना है, सस्पेक्टेड जो वायलेट करते हैं इस कोड को, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कॉपीराइट्स का ख्याल नहीं रखते, उनको रिपोर्ट करना है आगे, जिस तरह भी उसको आपने एक्सपोज करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर, जो एरर आते हैं, सिंटेक्स एरर हो, सेमेंटिक्स एरर हो, लॉजिकल जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उसको सॉल्व कर ले अप्रोप्रिएट, और तो हॉनेस्ट तरीके से सॉफ्टवेयर को डील करना है कि एक्यूरेट प्रोडक्ट आप बनाए विद इन द टाइम एंड विद इन द बजट, आपने उसको डील करना होता है। प्रोफेशनल इंटरेस्ट दिखाना होता है, गवर्नमेंट की जितनी लॉज है उनके अंदर आपने काम करना है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, आपने पब्लिकली नॉलेज अगर आपके पास है तो वो नॉलेज आप शेयर कर ले पब्लिकली, सॉफ्टवेयर बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में दूसरों लोगों को हेल्प ले, दूसरों लोगों को हेल्प करवा दे। तो ये सारे हमारे एथिक्स में आती है प्रोफेशन के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो 8 प्रिंसिपल्स है, ये सिक्स प्रिंसिपल में ये हमारे पास उस चीज में हमारे पास आती है, ठीक है ना। कुलीग्स, जिन लोगों के साथ कुलीग्स हमारे कौन होंगे, एस डी एल सी का नाम सुना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं वाटरफॉल के पांचों के स्टेप्स उठाता हूँ, वो एक्चुअली क्या है पांचों स्टेप्स, कि आप जब प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला फेज है, फिर दूसरा सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर है, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन है, चौथा टेस्टिंग है, पांचवा मेंटेनेंस है या डॉक्यूमेंटेशन। ये पांचों स्टेप हमारे पास, ये पांचों स्टेप सारे के सारे मॉडल्स में आपको दिखाई देंगे, बेशक वो स्पायरल हो, वी मॉडल हो, प्रोटोटाइप हो, इंक्रीमेंटल हो,
एजाइल हो, जहाँ ये पांचों के सब हर जगह पे यही, थोड़ा से आगे पीछे नाम डिफरेंट होंगे मगर ये काम यही वाला होगा। तो इनके अंदर 5 स्टेप में जितने भी अफराद इन्वॉल्व होते हैं एक एप्लीकेशन को बनाने में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी टीम वाले अफराद हैं, वो आपके क्या है, वो सारे आपके कुलीग्स हैं। तो उनके साथ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को आपने मेंटेन रखना होता है, लोग और लोगों का काम आपने रिव्यू करके अपना काम निकालना होता है, फुली क्रेडिट देना पड़ता है अपने कुलीग्स को कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, क्रेडिट लेना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरे कुलीग्स की जो बात है फिर अच्छे तरीके से आपने उसको टाइम देना है, सुनना होता है, असिस्ट कराना होता है, हेल्प कराना होता है कि काम को किस तरह प्रैक्टिकल उसमें ले आए। आपने कुलीग्स की कैरियर के का भी ख्याल रखना है कि अनइंटेंशनली अगर उनसे कोई ब्लंडर गलती वगैरह हो जाए तो उसको आपने एक्सपोज नहीं करना, डायरेक्टली मैनेजर टॉप लेवल को नहीं बताना, बल्कि उस कुलीग्स से जो गलती अनइंटेंशनली कुछ काम हुआ है तो उसका इसलाह करके उसको आपने सब मिलजुल के उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। इसको इसको क्या है, डू नॉट हाइंडल कुलीग्स केयर को खराब नहीं करना, दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपको उससे बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा अजर और आपकी जिंदगी और भी आसान बनाएगी, ना कि दूसरे के लिए आप नेगेटिव सोचे, ठीक है ना। डू नॉट परस्यू अ जॉब ऑफर टू अ कुलीग, जो जॉब कुलीग को ऑफर हो उसके पीछे ना पड़े बल्कि उसके लिए पॉजिटिव हो जाए। तो ये सारी चीजें हमारे पास, कुलीग्स को इथिकली किस तरह आपने डील करना होता है, सीक हेल्प विद वर्क आउटसाइड योर कॉम्पिटेंस, तो जो जिसमें आप माहिर ना हो, आपके स्किल्स अच्छे ना हो और जहाँ पे आपको टास्क मिला है तो दूसरों से हेल्प लेके वो बेशक वो कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। अभी आठवां जो आखिरी वाला है जो सेल्फ है, सेल्फ हमारे पास खुद एतमादी होनी चाहिए अपने अंदर, फर्दर योर ऑन फर्दर इम्प्रूव योर ऑन प्रोफेशनल नॉलेज अपने इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क, इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डॉक्यूमेंट द वर्क, डॉक्यूमेंटेशन आप अच्छा कर सके, क्वालिटी डिलीवर कर सके और अपने अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट लाए कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए किसी प्रोजेक्ट को समझने में, उसकी डिटेल्स को लेने के लिए, और जो रिलेवेंट लेजिस्लेशन है, जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, उनको समझने में अपनी नॉलेज आपकी होनी चाहिए, और फिर उसको प्रोजेक्ट के डिजाइन जब आपको मिल जाए उसको, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है कि उसको उसी कोडिंग में आप इम्प्लीमेंट कर लें और किसी बंदे को फोर्स ना कर ले कि वो कोडिंग की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको वायलेट कर ले और कॉपीराइट में चला जाए। कोड वायलेशंस को सामने रख के ये सारी चीजें आपने क्या करना है, इनको जहन में रखनी पड़ती है, ठीक है ना। अभी अभी जब हम लेक्चर ले रहे हैं ना एथिक्स के बारे में ले रहे हैं, मगर दरिया जो एक स्टूडेंट है उसने यहाँ पे लूज में राइटिंग कर दी, समझ आ गए। तो ये एथिकली ये वायलेट कर रहा है और इसका कंक्लूजन क्या होगा, एंड में उसका ग्रेड या एफ में आएगा और ये बिल्कुल इसको फिर पूरा सेमेस्टर भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो इथिकली एथिक्स पे बेस्ड था कि हम किस तरह अपने आप को क्या कर लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स में हमारे पास के कौन से रूल्स हैं, किन के बेसिस पे हम अपने अखलाकियात के बेसिस पे प्रोडक्ट को जो डेवलप कर रहे हैं वो बेशक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो, मॉडलिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, कि जिसमें हम बहुत इथिकली खास उसूल के तहत एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो उसमें हमने 8 प्रिंसिपल को आज डिस्कस कर दें कि कौन से 8 प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पे हम वो कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट को देखना होता है पब्लिकली वो एक्सेप्टेबल हो, लोग उसके अंदर बारे में जजमेंट कर ले, वो पॉजिटिव उसमें आना चाहिए, क्लाइंट और एम्प्लॉयर के दरमियान जो रिलेशन है वो उनको बेस्ट नोयत का होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनली प्रोफेशन में आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे भी वो आप इथिक्स के अंदर अखलाकियात के अंदर काम कर सके, कुलीग्स के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए और सेल्फ अपने आप पे को इम्प्रूव करना चाहिए किसी भी फील्ड में, बेशक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिस पॉइंट में भी आप काम करें, तो डेली बेसिस पे आपको अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।